पाएंगे और ये लोग देख लेंगे। तो जो पीछे देवता खड़े थे उन्होंने कहा भैया पहले जो आगे खड़े हैं वो लोग पहले निकलें, उसके बाद हम निकलेंगे। तो देवताओं ने सोचा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए ब्रह्मा शंकर सबसे पहले बाहर निकले, जब वो निकल आए तो पीछे पीछे दूसरे देवता भी को जाना ही पड़ा, निकलना पड़ा। अब देवता इस प्रकार स्तुति करके वहां से जिस निकले वहां से, और इस प्रकार से ब्रह्मा लोग जब आ गए तब अब सर्वगुणों पेत काल परम शोभना। अब क्या हुआ, जब भगवान आ गए देवता लोग चले गए, तो जितना भी समय काल है जो भगवान काल के स्वामी हैं, उसने सोचा कि अब हमारे स्वामी आ रहे हैं, इसमें सर्व गुणों पे तो काल है, काल अच्छा वही है जिसमें भगवान अब आ रहे हों, भगवान का दर्शन हो, इसलिए भगवान को जन्म के समय काल सर्वगुणों पे तो करके शांति दांति मैत्री आ समस्त रंग गुणों को धारण करके काल आ गया। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के जन्म के अवसर पर काल की शुद्धि बताई और कहा कि उस समय सभी ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो गए, सौम्य हो गए। अब वे दिशाओं की शुद्धि बताते हुए कहते हैं दिशा प्रदेशों अर्थात देशों दिशाएं सब प्रसन्न हो गईं, मही मंगल पृथ्वी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, भूदेवी प्रसन्न हो गई। अरे भूदेवी के लिए तो भगवान आ रहे हैं, और भूदेवी का पुत्र कौन है, मंगल। जैसे माता जब प्रसन्न होती है स्वयं भी श्रृंगार करती है और अपने नन्हे मुन्ने बालक को गोद में लेकर खड़ी हो जाती है, ऐसे ही भूदेवी अपने पुत्र मंगल को लेकर के गोद में बैठ गई। हा 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 अब हमारे स्वामी आने वाले हैं। और अब जल की शुद्धि देखिए, नदियों के जो सौभाग्य किसी अवतार में नहीं मिला नदियों को, नदियों ने सोचा आहा हा बड़ा सुंदर रिश्ता जुड़ने वाला है, हमारी यमुना बहन का विवाह कृष्ण से होगा, कोई संबंध बड़ा प्यारा होता है। आप लोग समझ गए होंगे, सब संसार वाले तो समझ गए होंगे कि भाई नदियां बोली अब हमारे ठाकुर जीजा जी का प्रकट होने वाला है, क्योंकि यमुना जी का विवाह कृष्ण से होगा, स्वामी से होगा। इसलिए जितनी भी नदियाँ हैं सब सज गई कि हमारे बहन जी के प्रदीप का आगमन होने वाला है, और जितने सरोवर हैं वो भी शुद्ध हो गए, उनके जल शुद्ध हो गए। जैसे कि आप किसी को देखते हैं आपका हृदय खिल जाता है, ऐसे ही सरोवरों के प्रसन्न होने का ढंग क्या है, जल शुद्ध हो गया, उनमें कमल के पुष्प खिल गए, ऐसे लगा जैसे सरोवर के हृदय में भी प्रसन्नता हो गई। अब वनश्री जितने भी वन हैं, लताएँ हैं, वृक्ष हैं, आप देखिए उनमें सुंदर सुंदर लताओं पर पुष्प आने लगे, सुगंध आने लगी, सर्वत्र आनंद ही आनंद हो गया, उन निगंध सुचि, और हवा पवन है वो भी बड़ा मंद मंद समीर के समान चलने लगा कि अब हमारे स्वामी आ रहे हैं। पवन ने सोचा राम राज के समय हमारे पुत्र हनुमान ने बहुत सेवा की हमारे स्वामी की, अब अवसर मिला हुआ है, इस समय हम भी सेवा करें। पवन बहुत सुगंधित पुष्प पुष्पों की गंध चुरा चुरा कर पवन लाता, समस्त ब्रजमंडल को वो सुगंधित करता, इतना आनंद। इस प्रकार से आप निशी थे तम उद्भूते, और आकाश में रात्र में जितने भी तारागण हैं जो दिखाई नहीं देते, छिपे छिपे से रहते हैं, वो भी सारे के सारे कहते हैं अब हम निकल आएंगे, हमारे स्वामी आने वाले हैं। सब आनंदित होकर के सब प्रसन्न। श्री सुखदेव भगवान का कहने का तात्पर्य है कि जब परमात्मा का आगमन होता, यही कारण था कि जो दिव्य वृंदावन का वर्णन आता है, वैसे तो आज वृंदावन का खारा पानी है चारों तरफ, देखो देखी श्याम मधुपुरी तुम्हारी, गोपियां कहती हैं अरे श्याम हमने देख ली तुम्हारी मधुपुरी, बड़ी तुम्हारी प्रशंसा होती है, अरे यहाँ खारा तो पानी मिलता है पीने, जिधर जाओ उधर करील के झुंड मिलते हैं, करील की कटीली कांटे मिलते हैं, और इस ब्रज में क्या है भैया, यही तो करील के कांटे हैं, खारा पानी है, सर्वत्र यही तो है, देखी श्याम मधुपुरी तुम्हारी, बड़ी प्रशंसा। पर जो जब कभी कृष्ण काल में जब ये दिव्य वृंदावन था, जो सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, जितने भी ये वनस्पतियाँ जितने भी प्रकृति थी, सब ने अपना सौभाग्य समझकर अपना दिव्य स्वरूप यहाँ पर प्रकट किया, यही कारण था ये दिव्य वृंदावन जिधर जाओ उधर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं।
निरंतर जिधर देखो सजा धजा वृंदावन मिलता था, जिधर दाव वृक्षों पर फल लदे हुए हैं, रसीले वृक्ष लदे रसीले फल लगे हुए हैं, और ऐसे ऐसे वृक्षों का वर्णन श्री भागवत इत्यादि में किया गया है कि इन पर ऐसे ऐसे फल लगते थे कि अगर उस पेड़ के नीचे एक परिवार रहने लगे तो उस परिवार का जीवन सारा का सारा उस वृक्ष के नीचे पल सकता था। ऐसे ऐसे वृक्ष भगवान वृंदावन उस काल में थे, पूरे 84 कोस थे। अब जब ये सब हो गया तब अविरासीद यथा प्राचीर पुष्कल और चंद्रवंश, चंद्रमा भी बड़ा प्रसन्न था। चंद्रमा कहने लगा हा हा, सूर्य में जब कलया था तब सूर्य प्रकट थे, आनंद में थे, अब चंद्रमा कहने लगा आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। चंद्रमा ओ पुष्कल ओ बड़े जोर से खिल गए, खुशी के मारे जैसे आदमी देखना फूल कर कुप्पा हो जाता है, ऐसे ही चंद्रमा महाराज भी फूल कर आनंदित हो गए। भद्रम कर्णे भी सुरुयाम देवा, ये गाया जाता है ना, तो उसमें भी श्रवण श्रावण के बाद भाद्रपद आता है। अब भगवान ने कौन सा महीना चुना, भाद्रपद चुना। श्रावण श्रवण, श्रावण से क्या निकला बोले जो आप श्रवण सुनते हैं श्रवण, और श्रावण में क्या होता है वर्षा होती है। वैसे ही जब आप कथा होती है तो कथा का जो धारावाहिक प्रवाह कथा चलती है, जैसे वर्षा धारा प्रवाह होती रहती है, वैसे ही आपके कर्ण इस कथा रूपी जल को पीते जा रहे हैं, निरंतर पीते जा रहे हैं। बोले श्रावण श्रवण के बाद भाद्रपद का महीना, भद्र का अर्थ होता है जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको भद्र पुरुष कहा जाता है, तो इस महीने का है भाद्रपद, कहा जाता है पूज्यपाद, ऐसे भाद्रपद कहा गया। भाद्रपद के महीने को भगवान ने चुना और उसमें तिथि कौन सी चुनी, अष्टमी तिथि को चुना भगवान ने, और राम जी ने कौन सी तिथि को चुना, नौमी को। भगवान ने कहा मैं पूर्णांक हूँ, मैं पूर्ण हूँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसलिए भगवान राम ने नौमी को जन्म लिया। नौ का अंक पूर्णांक लोग मानते हैं, आप नौ का पहाड़ा पढ़ो, अब सब जानते, कथाएं तो सुनते रहते हो, नौ का अंक पूर्णांक होता है। भगवान ने कौन सा चुना, अष्टमी। पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, पक्ष में 15, तो भगवान ने सुना मैं अष्टमी को जन्म लूंगा, और अष्टमी को जन्म बोले 7 तिथियां इधर रहेंगी, 7 तिथियां इधर रहेंगी, और बीच में मैं राजा की तरह बैठा रहूंगा। भगवान ने सोचा अष्टमी को जन्म लेना चाहिए, 7 इधर और 7 इधर, बीच में हम रहेंगे। देखो 9 का पाड़ा पढ़ो तो पूर्णांक, तो और 8 का पाड़ा पढ़ो तो बड़ा गजब का पाड़ा है, 8 × 8 8 × 2 तो 6 और 1 जोड़ो 7 हो गया, एक घट गया। ऐसे जोड़ते जाओगे तो एक घटता चला जाएगा और उसके बाद फिर एक बढ़ता चला जाएगा। इसका तात्पर्य है कि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, भगवान की लीलाएं अटपटी हैं। कभी आपको बचपन में कैसी लीलाएं उन्होंने की, आगे चल के लीलाएं कैसी, तो भगवान की लीलाएं बड़ी अटपटी हैं। इसीलिए अष्टमी का अर्थ होता है कि भगवान की लीलाएं अटपटी होंगी, कभी आप कहीं युद्ध से भाग जाएंगे, कभी बदनामी हो, भगोड़ा है, रणछोड़ है, अनेक प्रकार के नाम पड़ जाएंगे, तो भगवान की लीलाएं अटपटी होंगी। तो अष्टमी का, तो भगवान ने अष्टमी तिथि को ढूंढा। अब देखो जब इस प्रकार का भगवान ने रोहिणी नाम का नक्षत्र चुना, कि भगवान चंद्रमा की पत्नी का नाम क्या है, रोहिणी, तो भगवान ने सोचा कि रोहिणी नक्षत्र में नाम लूंगा तो चंद्रमा भी खुश हो जाएगा और चंद्रमा की पत्नी भी खुश हो जाएगी, कि चलो वो सोचेगी चंद्रमा की पत्नी चंद्रवंश के साथ साथ मेरे नाम के मुहूर्त में भगवान ने जन्म लिया है तो रोहिणी भी खुश हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब भगवान का प्राकट्य जब हुआ तो जेल में हुआ, भगवान का प्राकट्य क्या हुआ बोले जेल में। अब जो आविर्भूत बालक है आप उस पर दृष्टि डालिए, भगवान जब प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। अब जब बसदेव जी ने, तो बसदेव जी उस समय जब बालक का जन्म हुआ तो बसदेव जी जाग रहे थे और देखा तमद्भुत बालकम, वही तो बड़ा अद्भुत बालक है,
वसुदेव जी ने विचार किया, ये देखने में तो बालक है, नन्हे मुन्ने बालक को, छोटे बालक को बालक कहते हैं, पर यह तो साधारण बालक नहीं, बोले अद्भुत बालक है। बोले कैसा अद्भुत बालक है? बालेश बालेश कान ब्रह्मांडान यस्य एवं भूतम, जिसके बाल बाल में रोम रोम में ब्रह्मांड रहते हैं, बोले वो वैसा बालक अद्भुत बालक है। और बाल बाल है को ब्रह्मा यस, ब्रह्मा जिसके बालक हैं, बोले वो ऐसा बालक है। अम्बुज क्षम, कोई भी बालक पैदा होता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो उनकी आंखें खुली हुई थी। बोले गजब का बालक है, बोले इसकी आंखें खुली हैं लेकिन इसके नेत्र खिले हुए कमल के समान है। अम्बुजायामी क्षण यस, मानो यह ढूंढ रहा है कि लक्ष्मी जी कहाँ हैं, लक्ष्मी जी कहाँ हैं। अद्भुत बालक है ये। चतुर्भुजम, अक्सर कर बालक दो भुजाओं वाले होते हैं, पर बोले चतुर्भुजम, इसकी तो चार भुजाएं। और बालक चलो मान लीजिए चतुर्भुजाएं, लेकिन बालक पैदा होते हैं तो खाली हाथ होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, शंख गदार युधायुधम, ओहो ये तो चारों बालक के हाथों में, ये तो चारों बालक के हाथों में शंख चक्र, शंख जिसके आकाश में कल्याण का निवास है उसका नाम शंख है। शंख इस बालक के एक हाथ में है, दूसरे हाथ में कौमोद की गुदा है, गदा है, तीसरे हाथ में चक्र है, चौथे हाथ में उद्भुज है, उद माने उदज मुकम्मल है। ये चारों भगवान के आयुध हैं जिनको वे धारण किए रहते हैं। बालक के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स है और गले में कौस्तुम मणि है। यह कौस्तुम मणि क्या है? बोले जीव तत्व है। इस प्रकार बालक का जब इस प्रकार से ये देखा तो श्री वसुदेव महाराज ने स्तुति प्रारंभ की। उन्होंने निश्चय कर लिया ये परम पुरुष हैं जिनका सिर, उनका सिर झुक गया, उनकी बुद्धि वश में है। अंत में वसुदेव जी कहते हैं, प्रभु आप इस समय लोक रक्षा के लिए हमारे घर में अवतीर्ण हुए हैं, आप पृथ्वी का भार बढ़ाने वाले दैत्यों का संहार करेंगे। उनमें एक कंस बड़ा असभ्य है, कई छोटे छोटे बच्चों को ये प्रभु मार चुका है, अब आपका जन्म होने की बात सुनते ही हमारे घर में हथियार लेकर आ जाएगा। जब इतनी बात हो गई वसुदेव महाराज की अवतरित उस बालक से जो चार भुजा शंख चक्र गदा पद्मधारी है, तब देवकी की आंख खुली, आंख तब देवकी की खुली और आंख खुल गई। उसने भी देखा कि है तो भगवत लक्षण संपन्न बालक है। पहले तो देवकी कंस के भय से भयभीत हुई, परंतु बाद में बालक को देखकर मुस्कुरा पड़ी। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि मानो है ब्रह्म तत्व को अर्पण कर रही हो, जैसे कोई अभिषेक करके अभिमंत्रित कर कहे, अरे वो बालक तू तो साक्षात परम ब्रह्म है, परमात्मा है। वैसे ही देवकी मंत्र पढ़ने लग गई। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जब इस प्रकार के उससे देवकी ने प्रार्थना की, नमस्कार किया, अंत में देव भगवान ने कहा, देवी मैं स्वयं तुमको यह रूप नहीं दिखाना चाहता था, पर तुम दोनों पहले प्रश्न, प्रश्नी और सुतपा के नाम से बड़े निष्पाप तपस्वी थे। ब्रह्मा ने तुमको आदेश दिया कि सृष्टि करो, तुमने बड़ी तपस्या की, केवल सूखे सूखे पत्ते खाकर हवा पीकर मेरी आराधना की। मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और कहा, व्रियताम वरह, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो, तुम लोगों ने कभी विषय भोग तो किया नहीं था, संतान का सुख दुख तुम्हें मालूम नहीं था, इसलिए मेरे प्रकट होने पर तुम लोगों ने यही मांगा कि हमें हमारा सरीखा बेटा हो। इसका अर्थ हुआ कि हम लोग ग्रस्त हों और हमें दाम्पत्य सुख मिले। तुमने मेरी माया से मोहित होकर के ही ये वर मांगा था। शील उदारता गुण में मेरे शरीर का दूसरा और तो कोई होता नहीं, इसलिए मैं ही तुम लोगों का पुत्र हुआ और मेरा नाम पहले प्रश्न कर पड़ा। यहाँ पर भगवान ने अपने चारों अवतारों की कथा कहकर सुना दी। कब ये तुम्हारा अंतिम, ये वसुदेव और देव की वाला ये है और मैं इस अवतार में तुम्हारी। मैंने कहा कि भाई जब किसी को वरदान दो तो त्रिगुना करके दो, तो मैंने तुम्हें चौगुना करके दिया। मैं चार बार, तीन बार आपका पुत्र बन चुका, अब ये चौथी बार मैं देव की और वसुदेव के इसमें बढ़कर आया हूँ। अब भगवान ने आदेश दिया
कि तुम लोग मुझे अब ब्रज में अब अपना पुत्र समझना और मेरे प्रति तुम ब्रह्म भाव ही रखना। इसलिए वसुदेव देवकी की जो भक्ति है वो मिश्रित भक्ति है, किंतु यशोदानंद की जो भक्ति है उसमें मिश्रण नहीं है। वहां यह विशुद्ध वात्सल्य है कि श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं। भगवान ने कहा कि तुम लोग ब्रह्म भाव से तो हमारा चिंतन करना और पुत्र भाव से हमारे प्रति तुम लोग स्नेह रखना, स्नेह करना। यदि तुम्हें कंस से डर लगता है तो मुझे गोकुल ले चलो। तब भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें कंस से डर लगता है तो मुझे गोकुल ले चलो। वैसे आप हमने तो कथा तुम्हारी लंबी कर दी बहुत सी, लेकिन हमारे ब्रज के तो वो कौन सा गाते हैं, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। चलो कृष्ण भगवान अब गोकुल में यहाँ से जाएंगे, अब गोकुल वाले कम से कम हम लोग वृंदावन में बैठे हैं। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम स्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णागतम स्वागतम कृष्णागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम जय हो स्वागतम कृष्णा स्वागतम 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 कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा कृष्णा स्वागतम कृष्णा
शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम जय हो स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्णा गुरु बाल कृष्ण भगवान के बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आप सब लोग थोड़ा बैठो, आप सब लोग थोड़ा बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ जहाँ खड़े हो, आप जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। बैठ जाओ, एक बार कहने से बैठो जाओ शांत। थोड़ी सी कथा शेष है, अभी तो कृष्ण भगवान का हम लोग स्वागत कर रहे हैं, उसके बाद वसुदेव महाराज कृष्ण को, बाल कृष्ण लाल को, भगवान को लेकर गोकुल गए। अब चलो थोड़ा गोकुल का आनंद ले लो, गोकुल की बातें सुनो, बैठ जाओ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव महाराज जब गोकुल गए तो आपको सब मालूम है कथाओं को, हम इतना ही कहेंगे। गोकुल में जाकर जब वसुदेव महाराज पहुंचे तो वहां यशोदा मैया सब लोग सो रहे, योग माया के प्रभाव से वहां सारे लोग निद्रा में निमग्न थे। और वहां वसुदेव महाराज ने जब नीलमणि को वहां पर रखा तो वहां पर एक बालिका माता यशोदा की गोद में योग माया के रूप में वहां सो रही थी। श्री वसुदेव महाराज ने उस बालिका को अपनी गोद में उठा करके उस टोकरी में रख लिया और वहां से मथुरा की ओर चले आए। जब मथुरा में श्री वसुदेव महाराज आए तो उस जेल में जहां पर गए, जब पहले पाठक खुल गए थे सारे और जब वसुदेव महाराज वहां पर आए तो उनके हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां सब लग गईं और जेल के फाटक जैसे थे वैसे ही बंद हो गए। और उसके बाद वह बालिका ने रुदन करना शुरू कर दिया। रुदन जैसे ही शुरू किया सारे जेल के जितने कर्मचारी थे सभी उठ कर के वहाँ बैठ गए और कहा कि हो गया हो गया हो गया, और इस प्रकार से दौड़े वहाँ जाकर के। अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं, अभी तो हुआ नहीं है, ये तो ब्रज की हम बात कर रहे हैं, जेल की। जहाँ कन्या जहाँ बालिका ने रोनी तो उन्होंने एकदम दौड़े और कंस को सूचना दी। कंस ने जाकर के देखा तो वो बालिका थी। माता देवकी ने बड़ी प्रार्थना की कि भाई ये तो कन्या है, आप इसको छोड़ो। लेकिन नारद का भाव समझ करके उसने इस कन्या को देवकी के हाथ से छुड़ा लिया और कहते हैं उसको अपने पृथ्वी पर जैसे ही उसने मारने को उसे छोड़ा, वह उसके हाथ से छूट कर आकाश में चली गई और वह भद्रकाली का स्वरूप बनाकर प्रकट हुई और ने कहा, रे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में पैदा हो चुका है। और इतना कहकर के वह देवी अदृश्य हो गई। कंस निराशाहत तरफ देखने लगा और झिल्लाता हुआ अपने महल में। उसके बाद में जब यहाँ पर गोकुल में जो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा नंदा, वो आई हुई थी वहाँ पर। नंद बाबा बूढ़े हैं ऐसा कथा में आता है और यशोदा भी बूढ़ी हैं, और जो नंद बाबा की बहन सुनंदा जो इस इंतज़ार में प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि जब भाभी के बालक होएगो तो हम लोग सबसे पहले उसी को देखेंगे, और जैसे ही उनकी आँख खुली वो दौड़कर जहाँ माता यशोदा लेटी थी दौड़कर गईं, तो वसुदेव महाराज एक चुन्नी नीली सी उड़ा गए थे जब गए थे, तो जब उन्होंने नीली चुन्नी को उड़ा कर देखा तो उसमें ठाकुर श्री नीलमणि सरकार को जब उन्होंने मुस्कराते हुए देखा, हंसते हुए देखा, तो सुनंदा ने कहा, है गयो मिली, का भयो मिली, छोरा भयो छोरा हो।
कोलंब के राजा की जय। कन्हैया लाल की जय हो। जब खाली की आवाज सुनी तो सारे गोप गोपियाँ सारे इकट्ठे हो गए। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद